दोस्तों, अक्सर आपने गाने के मामले में संगीत में एक शब्द सुना होगा, ठहराव के साथ गाना। आखिर ये ठहराव के साथ गाना होता क्या है और कैसे ठहराव के साथ गाते हैं? ठहराव के साथ क्यों गाना चाहिए? इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं? ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो लीजिए शुरू करते हैं। दरअसल मेरे एक यूट्यूब फ्रेंड ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं इस विषय पे वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं। एक गीत की लाइन मैं दोनों तरीके से गा के आपको बताऊंगा। पहला, जो ठहराव के साथ नहीं गाई जाएगी, अर्थात सिंपल रूप में गाऊंगा, और उसके बाद उसी गीत की लाइन को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, और मेरे साथ ये संगत है, अनुभव जी विराजमान है, छोटे से पुत्र मेरे, ये संगत कर रहे हैं तबले पे। चलिए लीजिए शुरुआत करते हैं। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। और अब इसी पंक्ति को ठहराव के साथ गौर से सुनिएगा। रिदम ताल उसी प्रकार से चलेगा, गीत भी वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करके इसको ठहराव के साथ कैसे गाएंगे वो सुनिए। तुम्हारी आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें ताल उसी स्पीड में चल रहा है, टेम्पो वही है ताल का, लेकिन किसी किसी शब्दों को मैंने थोड़ा सा विलंबित कर दिया है, किंतु गाने में भटकाव किसी प्रकार से पैदा नहीं हुआ। जब हम एक शब्द को थोड़ा सा विलंबित करके बोलते हैं, तो तत्काल उसके बाद वाला जो दूसरा शब्द होता है उसको हमें थोड़ा सा फास्ट करके बोलना पड़ता है, ताकि वो रदन के साथ मैच कर जाए। किंतु ये ठहराव की जरूरत क्या पड़ती है? तो ठहराव की जरूरत सिर्फ ये है, किसी गाने में चमत्कार पैदा करने के लिए या किसी शब्द को उभारने के लिए, किसी शब्द के आशय को उभारने के लिए, हम जब उसे थोड़ा सा विलंबित करके बोलते हैं तो उसको ठहराव बोलते हैं, और यही ठहराव का कारण होता है। एक तरह से ये मॉडुलेशन है। अभी मॉडुलेशन क्या है मैं आपको कभी फिर कभी अगले वीडियो में बताऊंगा। जो गाने वाले हैं वो अच्छी तरह से समझते कि मॉडुलेशन क्या है, फिर भी आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जब हम किसी शब्द को थोड़ा सा विलंबित करके बोलते हैं गाने में, किंतु अगले ही पल जब हम कोई उसके बाद वाला शब्द बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा फास्ट करके बोल देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से ताल के साथ गाने का भटकाव ना हो। किंतु कभी कभी गायक शब्दों में इतना खो जाता है कि वो ठहराव के चक्कर में थोड़ा सा रदम से भी भटक जाता है, ये एक कमी होती है। तो हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि हम ठहराव तो गीत में लाएं, लेकिन जहां आवश्यक हो, जहां किसी शब्द को उभारना हो, किसी शब्द को हमको अच्छे से व्यक्त करना हो, उन्हीं शब्द पर ठहराव लाएं। अनावश्यक ठहराव लाना भी
गीत में एक प्रकार का विकार पैदा करता है, या ठहराव के साथ अगर हम ताल से भटक जाते हैं तो वो एक हमारे गायन में एक कमी मानी जाती है और उसमें हमारा गीत कहीं ना कहीं किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका हमको ध्यान रखना चाहिए गाते समय कि ठहराव तो लाएं गाने में, किंतु अनावश्यक ठहराव भी ना लाएं, और ठहराव के साथ साथ हम ताल का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चलिए एक गीत की पंक्ति के साथ में और इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। रफी साहब का गाया बहुत ही प्यारा गीत है, पहले सिंपल वे में गा के सुनाता हूँ आपको। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर के साथ। तुम्हारी साए में, इसको मैंने थोड़ा सा विलंबित करके बोला है। तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारी शब्द को मैंने देखिए किस तरह से विलंबित किया है। लेकिन इसके बाद जुल्फ शब्द को थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर उम्र का पल में तमाम कर से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ठहराव क्या है और इसको हम संगीत में गीत में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने कीमती कमेंट्स जरूर दें ताकि आगे मुझे किस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, मुझे दिशा मिल सके और किसी ना किसी तरह से जो कुछ भी टूटा फूटा मैं जानता हूँ आप लोगों के सामने पेश कर सकूं और उससे आप लोग लाभान्वित हो सकें। लाइक करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, कमेंट्स करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है ना, तो लाइक भी करें कमेंट्स भी करें और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें, उसमें क्या बुराई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।